स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और बहुत ही मजेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ग्रामर के नेक्स्ट सीरीज प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ज्ञापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक प्लेलिस्ट है जो इंग्लिश फॉर बिगिनर्स के नाम से है, और उस प्लेलिस्ट को जा करके देखेंगे ना तो ग्रामर जीरो टू एडवांस लेवल का वीडियो धीरे बाई धीरे अवेलेबल होते जा रहा है। जी हाँ, जब भी कभी हमें फुर्सत मिलता है तो आपको कंटेंट पढ़ाने के बाद, मान के चलिए 10, 12 इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट हम साइंस पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने के बाद होता ये है ना कि मैं इंग्लिश के ऐसे ऐसे टॉपिक को ले करके उसमें अवेलेबल कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आपको मन में ये चीज़ें खटक रही होगी कि वो इंग्लिश फॉर बिगिनर्स है, यानी इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स है, तो हो सकता है कि वो बिगिनर्स वालों के लिए हो, ठीक है ना, हो सकता है कि वो छोटे बच्चों के लिए है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स का मतलब ये हुआ कि जीरो टू एडवांस लेवल का उसमें पूरा का पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक ग्रामर के टॉपिक को मैं पढ़ाते चल रहा हूँ धीरे धीरे, उसमें चाहे 8th क्लास के विद्यार्थी हो, 9th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, या फिर एनी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी क्यों ना हो, उस प्लेलिस्ट में जा करके ऐसे ऐसे वीडियो को देख करके अपने पूरे के पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि उन्हें जो चीज़ चाहिए उस इंग्लिश फॉर ग्रामर्स वाली प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल रहेगा। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ लें। इसके पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़े थे। सबसे पहले वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच को बनाया था, पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा, 8 भागों को फिर अगले, मान के चले कि पार्ट ऑफ स्पीच अकलौता अपना, मान के चले कि बाप की तरह है, तो उसके 8 संतान थे, उस 8 संतान के अलग अलग संतान हुए। लेकिन ये प्रीपोजिशन जो है ना, ये बिल्कुल निर्वंश है, यानी इसका कोई संतान नहीं है। प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से नेक्स्ट जो होगा वो अगला जो टॉपिक होगा प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन पढ़ना होगा, कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन, उसके बाद पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी टाइप्स थे वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद से टेंस पढ़ाऊंगा, या जो भी टॉपिक होगा लगेगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो कुल मिला जुला करके वो चीजें मैं पढ़ाते जाऊंगा। आपको ये दिमाग में नहीं लगना चाहिए कि मैं जो कि उसके प्रति सीरियस नहीं हूं, मैं बिल्कुल उसके प्रति सीरियस हूं, आपके ग्रामर को भी साथ में लेकर के चल रहा हूं। तो चलिए बिना बकवास किए इस सेशन की शुरुआत पूरी एनर्जी के साथ करते हैं। प्रीपोजिशन पढ़ना है। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, ये इसका कोई टाइप्स नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, तो जब कोई प्रकार नहीं है, कोई टाइप्स नहीं है, तो कुल मिला जुला करके ये इसका, मान के चले कि कोई जब टाइप्स नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, तो ये कुल मिला जुला करके ये निर्वंश हो गया, इसका कोई संतान नहीं है। तो चलिए आप देखते हैं कि इसकी बोलचाल में सबसे ज़्यादा कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भाई सबसे पहला बात यह है कि प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं। ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्पीच की जब हम 8 भेदों को पढ़ा रहे थे, तो जब प्रीपोजिशन की बात आई थी तो उसमें मैंने यही समझाया था कि बाबू प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन से क्या अर्थ निकल रहा है। अगर संबंध बोधक नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन, अगर इंग्लिश से ही इंग्लिश को समझना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन का मतलब हुआ कि जैसे कि आप पोजिशन तो जानते होंगे ना, पोजिशन जानते होंगे, पोजिशन जब जानते होंगे तो पोजिशन को हिंदी में कहते हैं स्थिति या स्थान। क्या कहते हैं? स्थिति या स्थान कहते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी स्थिति हो सकती है या कोई भी स्थान हो सकता है, तो कोई भी स्थिति या कोई भी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? पोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि पोजिशन, और प्री का मतलब होता है क्या चीज़? पहले। प्री का मतलब होता है पहले। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी स्थिति या स्थान के पहले कोई भी अगर वर्ड जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, मान के चलो कि ऑन हो गया, ऑफ हो गया, इन हो गया, अंडर हो गया, टू हो गया, फोर हो गया, अबाउट हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, और भी अदरक लहसुन प्याज हो सकते हैं जो किसी भी स्थिति परिस्थिति के पहले लग करके, ठीक है ना, उस वाक्य को पूरा करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एक बार में पूरा का पूरा क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि अच्छा सा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको आप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन की हम किस तरीके से, इसके एग्जांपल के तहत जब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रीपोजिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, मान करके चलिए कि प्रीपोजिशन में ऑन को ही ले लीजिए, ऑन, ठीक है। तो मैंने क्या आपको डिफिनेशन दिया? यही डिफिनेशन दिया कि किसी भी पोजिशन के पहले लग कर, यानी ऐसा शब्द जो किसी पोजिशन के पहले लग करके उसके माने मतलब को बदल दे, ठीक है ना, या उस माने मतलब को बदलने के साथ साथ उस वाक्य को पूरा कर दे, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। संबोधक अव्यय कहते हैं, यानी संबंध के साथ बोध करता है, यानी किसी के साथ संबंध
बनाता है, ठीक है ना। अब मान के चलिए कि मैं कहूँ थोड़ा देर के लिए, चलिए मैं अभी ऑन का यूज नहीं बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं कहूँ पुट दिस, ठीक है ना, ये मार्कर की ही दे रहा हूँ, पुट दिस मार्कर टेबल, ठीक है ना। मान के चलिए पुट दिस मार्कर टेबल, अगर मैं इस बात को कहूँ तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पुट माने होता है रखना, चलिए रखना हो गया। एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, वन मिनट। मान के चलिए पुट माने क्या होता है, रखना, ठीक है ना, रखना। दिस माने यह और मार्कर माने मार्कर। तो मान के चलिए यह, देखिए यह या इस मार्कर को, इस मार्कर को, इस मार्कर, सुनिएगा, इस मार्कर टेबल, इस मार्कर टेबल, ठीक है ना, और अपने से का के की सेंस लगा ही दिया जाता है, इस मार्कर टेबल को रख दो, रख दो, इस मार्कर टेबल को रख दो, यानी पुट माने रख दो, यानी रखना, पुट माने रखना। जिस तरीके से देखिए इंग्लिश में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि थोड़ा सा का के की अपने से ही मिला करके बना लिया जाता है, उसका सेंस निकाल लिया जाता है। तो इस मार्कर टेबल को रख दो, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही हम कहेंगे पुट दिस मार्कर टेबल, तो आप क्या करेंगे, हम कहेंगे पुट दिस मार्कर टेबल, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको टेबल दिखाई दे रहा है और ये मेरे, मैं मार्कर को अगर मैं इशारे से कह रहा हूँ कि पुट दिस मार्कर टेबल, ठीक है ना, तो इन द सेंस आप यही समझेंगे कि ये जो है ना मार्कर, मार्कर को आप ले लेंगे अपने हाथ में और टेबल वाला, दोनों को ले जाके एक रूम में रख देंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये कहने का सेंस नहीं था, जबकि मेरा कहने का सेंस था कि इस मार्कर को ले जा करके टेबलवा पर रख दो, लेकिन मैंने क्या किया, बोलने के क्रम में मैंने प्रीपोजिशन वर्ड छोड़ दिया। प्रीपोजिशन ध्यान रखिएगा, किसी भी पोजिशन के पहले, मान के चलिए कि अगर इस मार्कर को टेबल पर रखवाना चाहता हूँ तो टेबल हमारा पोजिशन बना, जिस पोजिशन पर इस मार्कर को ले जा करके रखना था, समझ रहे हैं ना, इस मार्कर को कहाँ रखना था, टेबल पर रखना था, तो मेरा पोजिशन कौन सा बना, टेबल बना, ठीक है ना। तो टेबल हमारा क्या हो गया, पोजीशन, और पोजीशन के पहले जब प्री नहीं लगे, मान के चलिए प्रीपोजिशन वाला वर्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना, यानी प्रीपोजिशन वाला वर्ड अगर हम टेबल के पहले, अपने पोजीशन के पहले ना लगाएंगे तो फिर ये वाक्य पूरा हो नहीं पाएगा और मैं जो कहना चाहता हूँ वो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। अगर मान के चलो कि अगर थोड़ा देर के लिए सोचो कि एज फॉर एग्जाम्पल कि आप भले ही समझ जाते हो इंग्लिश की फ्लेक्सिबिलिटी है कि पुट दिस मार्कर टेबल, तो आप क्या करते हो ना कि मतलब बिना मतलब उतना दिमाग लगाए आप समझ गए कि चलो भाई इस मार्कर को जो है ना टेबल पर रखना, हाँ चलिए रख दिया। वो समझना अलग चीज़ है, सेंस से समझना अलग चीज़ होता है, लेकिन मान के चलिए कि ग्रामेटिकल इरर देखा जाएगा तो हम कहेंगे पुट दिस मार्कर टेबल, तो आप क्या करेंगे, इस मार्कर को भी लेंगे और इस टेबल को भी लेंगे और ले जाकर कहीं एक रूम में फिक्स कर देंगे, रख देंगे और कहेंगे हो गया सर कंप्लीट दिस वर्क। तो हम कहेंगे कि नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तो आप कहेंगे कि पता है मैं ये बात सर से पढ़ा हूँ, ऐसा बात नहीं है सर, आपको कहना चाहिए थोड़ा सा प्रीपोजिशन का वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो मैं समझ जाता कि पुट दिस मार्कर ऑन द टेबल, जब आप ऑन लगाते हैं ना, इस ऑन का मतलब होता है क्या चीज़ पर, अगर लगाते ना तो ये क्लियर हो जाता, पुट दिस मार्कर, ठीक है ना, पुट दिस मार्कर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो मान के चलिए पुट दिस मार्कर, इस मार्कर को रख दो ऑन द टेबल, यानी टेबल पर। अब बात सोचिए थोड़ा देर के लिए, टेबल है टेबल, ठीक है ना, टेबल पर अगर कह रहे हैं तो डायरेक्ट वाक्य समझ में आ रहा है और वाक्य का मतलब भी समझ में पूरा किसी को भी आ जाएगा। जैसे पुट दिस मार्कर ऑन द टेबल, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ टेबल पर, ठीक है ना, टेबल पर, यानी ऑन प्रीपोजिशन वर्ड लगा करके मैंने इस वाक्य को पूरा कर दिया और आपको समझने में काफ़ी आसानी भी हो गई। पुट दिस मार्कर ऑन द टेबल, यानी कि इस मार्करवा को ले जाकर के टेबलवा पर रख दो, यानी मेरा पोजिशन क्या हो गया, टेबल हो गया। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन वर्ड लगा करके क्या किया जाता है, वाक्य को पूरा किया जाता है। अब मान के चलिए कि हमको कहना है कि मान के चलो कि अगर देखो एक और चीज़ है थोड़ा सा, अब उतना तो डीपली मैं जा करके आपको नहीं बताऊंगा, बस प्रीपोजिशन का जो है ना डायरेक्ट थोड़ा बहुत एग्जांपल देकर के मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। लेकिन अगर पूरा डीपली अगर समझने की कोशिश करेंगे ना तो पता है अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ऑनो माने पर होता है और एबव माने भी पर होता है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए जब इसका अंतर का हर एक चीज़ के, हर एक प्रीपोजिशन वर्ड के अंतर को जब समझाने लगेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए आप तो स्टार्टिंग सेशन में है ना, तो स्टार्टिंग सेशन में है तो सिर्फ प्रीपोजिशन वर्ड का इस्तेमाल किस तरीके से होता है और किस स्थिति परिस्थिति में होता है ये समझ लेंगे काफ़ी होगा। फिर पहले ये समझने के बाद
तब जाकर के आप इसके डिफरेंट को समझेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे जैसे ही मैच्योर हो जाएंगे, सीनियर होते जाएंगे, तो वो समझना आसान हो जाता है। तो फिलहाल मैं उधर नहीं लेकर जाऊंगा, नहीं तो अगर इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ना कि ऑन माने पर, अबव माने पर, तो दोनों के मतलब में यही अंतर होता है कि ऑन माने पर होता है, लेकिन कोई भी वस्तु किसी के ऊपर है और वो सटा हुआ है तो वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होगा, और अबव जो है वो मान के चलिए कोई वस्तु है और इसके ऊपर है, हैं, तो मान के चलिए कि अगर वो सटा हुआ नहीं है, उसके संपर्क में नहीं है, तो अबव का यूज होगा। सपोज मान के चलो कि अगर मैं इस मार्कर को अपने सर के ऊपर रख दे रहा हूँ, तो हम कहेंगे दिस मार्कर इज ऑन माई हेड, ठीक है ना, ये हमारे सर के ऊपर है। लेकिन अगर मान के चलो कि अगर इस मार्कर को मैं अपने सर के ऊपर रख दे रहा हूँ और ये जो मार्कर है ना हमारे सर के संपर्क में नहीं सटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं दिस मार्कर इज अबव माई हेड। तो आई होप कि ये डिफरेंट समझ में आ गया होगा, लेकिन ये डिफरेंट को एक एक डिफरेंट को समझाते चलेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप लोग कहते भी हो कि बहुत ज़्यादा सर लंबा वीडियो हो जा रहा है, बट लंबा तो हो रहा है लेकिन काफ़ी यूजफुल भी हो रहा है, ठीक है। तो सुनिए, ये हो गया ऑन। हालांकि ऑन और अबव दोनों क्या है, कहीं ना कहीं से प्रीपोजिशन वर्ड है, तो आप तो समझ ही गए। अब देखिए ऑफ की बात करते हैं। ऑफ की बात तो ऑफ मतलब होता है काके की, ऑफ माने क्या होता है का के की, ये आप बचपन से ही जानते आ रहे हैं। जैसे कि सपोज मान के चलिए कि अगर हमको कहना होगा मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, है मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। सपोज मान के चलिए कि अगर मैं सलमान खान का प्रेमी हूँ, या आपको कहना होगा मैं शाहरुख खान का प्रेमी हूँ, मैं आमिर खान का प्रेमी हूँ, या मान के चलिए कि अगर कोई कहता है कि मैं टाइगर श्रॉफ का प्रेमी हूँ, है ना, या फिर मान के चलिए कि कोई कहता है कि मैं राजकुमार का प्रेमी हूँ, है ना। तो किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ का प्रेमी होना, या फिर मान के चलिए कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनने का प्रेमी हूँ, है ना। तो किसी भी तरीके का जब काके की, यानी मैं तुम्हारे प्रेमी हूँ, मैंने तुमको मैं बहुत मानता हूँ इसलिए मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, ठीक है ना, तो होता ही है ना। या फिर मान के चलिए कि मैं सलमान खान का क्या है प्रेमी हूँ। क्या हो रहा है देखिएगा, अब यहाँ पे इस ऑफ का इस्तेमाल करके मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं प्रेमी हूँ, यहाँ पर किसका प्रेमी हूँ, कोई पोजीशन दिखाई दे रहा है ना। किसी भी पोजीशन के पहले जो वर्ड लगता है ना, जो वर्ड किसी पोजीशन को टारगेट करता है, वो वर्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं प्रेमी हूँ तो किसका हूँ, तो तुम्हारा, तो तुम्हारा को मैं तुमको टारगेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा अगर प्रेमी हूँ, इसका मतलब कि मैं तुमको टारगेट करते हुए मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम फॉन्ड, ठीक है ना, फॉन्ड ऑफ यू, ठीक है ना। अब बताइए अगर इस ऑफ को मैं कैंसिल कर देता, नहीं लगाता, तो आई एम फॉन्ड यू, ये मतलब ही नहीं समझ में आता। आई एम फॉन्ड, मैं प्रेमी तुम्हारा, ठीक है ना, मतलब मैं प्रेमी, मतलब है ना, आई एम फॉन्ड, मैं प्रेमी हूँ यू, तुमको, क्या मतलब, ये कुछ सेंस समझ में आ ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही फॉन्ड और यू, यानी जिसको टारगेट किया जा रहा है, इस स्थिति के पहले अगर प्रीपोजिशन वर्ड लगा देते हैं ऑफ यू, तो हो जाता है डायरेक्ट मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं सलमान खान का प्रेमी हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक है ना, मैं का प्रेमी हूँ, समझ रहा है ना, का प्रेमी हूँ, किसका प्रेमी हूँ, तो का क्या कर रहा है, ऑफ क्या कर रहा है, किसी को टारगेट कर रहा है, किसका प्रेमी हो, तो ऑफ क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, आई एम फॉन्ड ऑफ, तो आप कहेंगे किसका हो, किसका, यानी आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं का प्रेमी हूँ, किसका, तो सलमान खान का, तो यहाँ पे लिखेंगे सलमान खान, ठीक है ना, तो आई एम फॉन्ड ऑफ सलमान खान, मैं सलमान खान का प्रेमी हूँ। अगर आप मेरे प्रेमी हो तो कमेंट करके बताओ कि आई एम फॉन्ड ऑफ इबादत सर, है ना, ये चीज़ें। अगर आप ज्ञापन एकेडमी के प्रेमी हो तो लिखो कि आई एम फॉन्ड ऑफ ज्ञापन एकेडमी, इससे आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा और हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इनकी। तो देखिए इनके बाद, देखिए अब एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी कोई प्रीपोजिशन वर्ड होता है ना, तो प्रीपोजिशन वर्ड कभी एडजेक्टिव के पहले लगता है, कभी नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है, तो कभी है ना वर्ब के पहले लगता है, ठीक है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर इन, ठीक है ना, इन मान के चलिए कि किसी स्थान पर हैं, तो उस स्थान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मान के चलिए बड़े स्थानों पर हैं, तो इन, जैसे मान के चलिए कि मैं बिहार के हूँ, तो आप लिख सकते हैं आई एम इन बिहार, ठीक है ना, मैं बिहार में हूँ, तो आई एम इन बिहार।
लेकिन अगर हमको कहना होगा कि मैं मान के चलिए कि सपोज मैं पटना जिला के हूँ, ठीक है ना, तो आई एम, जैसे मैं पटना जिला के हूँ, तो अगर मुझे कहना होगा मैं पटना जिला में हूँ, तो मैं का जब अर्थ लगाना होगा तो हो जाएगा एट पटना डिस्ट्रिक्ट, एट पटना डिस्ट्रिक्ट, समझ रहे ना। यानी कि कुल मिला जुला हम आपको ये समझाना चाहते हैं, हालांकि इंग्लिश में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि एन इन एट में आप कोई कुछ खास अंतर नहीं रह गया, जिस तरीके सेल विल की जगह पर सेल, सेल के जगह पर विल लगा, विल के जगह सेल लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरीके से इसमें भी है। मान के चलिए कि आई एम इन बिहार में, बिहार में हूँ, या मान के चलिए कि यहाँ आई एम एट पटना डिस्ट्रिक्ट में, पटना डिस्ट्रिक्ट में हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना बिहार से छोटा है पटना, क्योंकि बिहार मान के चलिए पटना भी नहीं हो सकते, पटना के मान के चलिए कि अगर शीतलपुर में है या रसूलपुर में है, तो सपोज मान के चलिए कि अगर रसूलपुर है तो पटना भी राजधानी है, तो पटना राजधानी है तो ये भी एक बड़ा, माने समझिए तो डिस्ट्रिक्ट में भी एक बड़ा हो गया, तो यहाँ पर इन्हें लगेगा। लेकिन जब भी कभी छोटे स्थान की भावना आती है तो हम यहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं, और जब भी कभी बड़े स्थान की भावना आती है तो इन का, ठीक है ना। जैसे कि मैं इंडिया में हूँ तो आई एम इन इंडिया, ठीक है ना। और मान के चलिए कि अगर मैं इंडिया के बिहार के मान के चलिए किसी जिला के गांव में रहता हूँ तो उस गांव के लिए एट का प्रयोग होता है, यानी छोटे स्थानों के लिए मे के प्रयोग में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया प्लेस के लिए, लेकिन मान करके चलिए थोड़ा देर के लिए सोचिए, हाँ एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि मैं पढ़ने में तेज हूँ, मैं पढ़ने में तेज हूँ, तेज हूँ, तो क्या होगा पढ़ने में, तो देखिए मैं तेज हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है ना, आई एम इंटेलिजेंट, मैं तेज हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, मैं तेज हूँ, किस में टारगेट किस चीज़ को किया जा रहा है, मैं किस में तेज हूँ, यहाँ पर भी एक स्थिति परिस्थिति नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं किस में तेज हूँ भाई, ठीक है ना, मैं किस में तेज हूँ, तो पढ़ने में। बहुत लोग हैं जो पढ़ने में तेज ना होकर के खेलने में तेज होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेवकूफ़ बनाने में तेज होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान के चलिए कि ठगने में तेज होते हैं, है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाने में तेज होते हैं, कुछ लोग ऐसे तो जो पढ़ने में तेज होते हैं, तो हर किसी का अलग अलग टारगेट होता है और उसमें वो तेज होता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए मैं तो तेज हूँ, ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इसको इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है ना, कि प्रीपोजिशन वर्ड वही वर्ड होता है जो किसी स्थिति परिस्थिति के पहले लगता है, तो यहाँ पर फिर वही बात आएगी कि आई एम इंटेलिजेंट, मैं तेज हूँ, बात सही है, लेकिन किस में, तो इन रीडिंग। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी इन के बाद वर्ब आएगा तो वर्ब में आई एन जी जरूर लगा दीजिएगा। तो आई एम इंटेलिजेंट, मैं तेज हूं इन रीडिंग, पढ़ने में, ठीक है ना। अच्छा मान के चलिए अगर हमको कहना होगा मैं खेलने में तेज हूं, तो आप कहेंगे आई एम इंटेलिजेंट इन प्लेइंग, ठीक है ना। मैं मान के चलिए कि अगर कहना होगा कि मैं सोचने में तेज हूं, ठीक है ना, तो आई एम इंटेलिजेंट इन थिंकिंग, ठीक है ना। तुम दौड़ने में तेज हो, ठीक है ना, तो यू आर इंटेलिजेंट इन रनिंग, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो इन लगा करके हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से वाक्य को पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं जैसे अंडर, तो अंडर मतलब क्या होता है, के नीचे, ठीक है ना। वन मिनट, यहाँ पर देखिएगा अंडर मतलब क्या होता है, के नीचे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा है जो टेबल के नीचे है, तो हम क्या कहते हैं वहाँ पर, कोई बच्चा टेबल नीचे, तो मतलब नहीं हो पाएगा, नहीं टेबल के नीचे, क्योंकि इसका मतलब होता है के नीचे, ठीक है ना, इसका मतलब होता है के नीचे। तो मान के चलिए कि टेबल के नीचे, तो टेबल भी क्या है, एक स्थिति परिस्थिति, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए मान के चलिए कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा टेबल के नीचे है, है ना, कोई बच्चा टेबल के नीचे है, तो एनी, ठीक है ना, एनी चाइल्ड इज, है कोई बच्चा है, ठीक है ना। अब मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर टेबल लिख देता तो क्या ये वाक्य पूरा हो जाता, नहीं, एनी चाइल्ड इज टेबल। अब सोचिए यहाँ पर हंसी आने वाली बात है, अगर मैं अंडर नहीं लगाता हूँ, प्रीपोजिशन वर्ड नहीं लगाता हूँ, तो क्या इसका मतलब निकल रहा है, एनी चाइल्ड इज टेबल, कोई बच्चा टेबल है। अब बताइए कोई बच्चा टेबल हो सकता है क्या, है कोई सजीव निर्जीव हो सकता है क्या, या कोई निर्जीव सजीव हो सकता है क्या, सजीव है तो सजीव ही रहेगा, निर्जीव है तो निर्जीव ही रहेगा, लेकिन मैं वो डिफरेंट नहीं समझा रहा हूँ। कोई बच्चा टेबल के नीचे है, अगर प्रीपोजिशन वर्ड लगा देंगे तो ये पूरा का पूरा करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रीपोजिशन लगाएंगे तो इसका मतलब ही कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए प्रीपोजिशन वर्ड लगाएंगे अंडर, और जैसे ही अंडर लगाएंगे तो एनी चाइल्ड इज अंडर द टेबल,
मान के चलो कि टारगेट है तो थोड़ा सा द लगा देंगे टेबल, ठीक है ना। तो एनी चाइल्ड इज अंडर द टेबल, हालांकि ये अंदर आर्टिकल्स का भी हम प्रयोग बता देंगे एक एपिसोड में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि द क्यों लगता है और क्यों नहीं लगता है। सुनिए, एनी चाइल्ड इज अंडर द टेबल, कोई बच्चा टेबल के नीचे है, ये बात पूरा क्लियर हो गया। क्यों? जब हमने प्रीपोजिशन वर्ड लगाया, ठीक है ना, तब जाकर कि ये वाक्य पूरा हो पाया, कोई बच्चा टेबल के नीचे है, ठीक है ना। अरे मैं आपके नीचे हूँ तो आई एम अंडर यू, मैं आपके नीचे हूँ, या मैं आपके अंडर में हूँ तो आई एम अंडर यू, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अब देखिए टू का बात करते हैं, तो आप टू तो बहुत बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, मैं पटना जा रहा हूँ, मैं पटना से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं यूपी जा रहा हूँ। तो आने जाने के पहले क्या होता है ना, ये तो पूरा जो है आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा टू। टू माने कभी भी, हालांकि टू मतलब होता है के लिए, लेकिन जब भी इसका प्रयोग होता है तो कैसे होता है ज़रा देखिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए कि मैं कह रहा हूँ कि मैं पटना जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो सुनिए मैं तो जा रहा हूँ बात सही है, आई एम गोइंग। देखिए मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना क्या कीजिएगा कि 4, 5, 10 जो है ना टाइप के ट्रांसलेशन को बना करके पूरा का पूरा जो है ना इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में प्रीपोजिशन फिट हो जाएगा और आसानी से आपको जो है ना कि मान के चलिए प्रीपोजिशन के तौर पर कोई ऑब्जेक्टिव अगर आपके 10, 12 क्लास में पूछ रहा हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो आपको सही जानकारी होगी तो आप सही प्रीपोजिशन वर्ड को चुन पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, मैं पटना जा रहा हूँ, तो मैं पटना जा रहा हूँ तो सबसे पहले क्या है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ पर जा रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है, किस स्थिति के तरफ जा रहा हूँ, किस प्लेस पर जा रहा हूँ। तो पटना ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पटना, तो मैं आई एम गोइंग पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। आने जाने के पहले टू लगाया जाता है, क्योंकि टू का मतलब होता है के लिए, मैं पटना के लिए जा रहा हूँ, यानी पटना की ओर जा रहा हूँ। हालांकि टू का मतलब भी की ओर होता है, के लिए के साथ साथ की ओर भी होता है, की ओर, मैं पटना की ओर जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टू हम लगा दिए तो पूरा का पूरा वाक्य पूरा हो गया, पूरा का पूरा ये करेक्ट हो गया, आई एम गोइंग टू पटना, और ये टू क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन लग करके इस वाक्य को पूरा कर दे रहा है, ठीक है ना। तो टू भी क्या हो गया, पोजिशन के पहले लग रहा है, इसलिए टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ये बातें समझ में आ गई। अब आइए फोर, ठीक है ना। मान के चलिए कि फोर है, तो फोर मतलब होता है के लिए, है ना। तो जैसे मान के चलिए, जैसे अगर हमको कहना होगा कि दिस इज फॉर यू, ठीक है ना, दिस इज फॉर यू, अच्छा इसका मतलब समझिएगा, यह आपके लिए है, सुनिएगा ध्यान से, यह आपके लिए है, यह आपके लिए है। अच्छा मान के चलिए कि अगर मैं फोर नहीं लगाता, थोड़ा देर के लिए प्रीपोजिशन वर्ड को हटा देते हैं, तो क्या होगा, दिस इज यू, तो इसका मतलब होगा यह तुम हो, है यह तुम हो और यह तुम्हारे लिए है, दोनों में अंतर हो जाता है। तो इसी दो अंतर के कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम प्रीपोजिशन वर्ड को लगाते हैं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन जैसे ही फोर लगा, इसे डायरेक्ट पता चला कि अगर मैं मार्कर की बात कर रहा हूँ और इशारे से कर रहा हूँ दिस इज़ फॉर यू, इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्कर जो है ना, मैं इशारे कर रहा हूँ, मैं इंगित कर रहा हूँ कि दिस इज़ फॉर यू, ये मार्कर तुम्हारे लिए है। अगर मैं कहूँ दिस इज यू, ठीक है ना, तो हम कहेंगे ये जो है ना, ये तुम हो, ऐसा लगेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके प्रीपोजिशन वर्ड जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं से सेंटेंस को सुधारने के साथ साथ जो है ना, कहीं ना कहीं से वर्ड को भी सुधारने का काम करता है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं अगला, अबाउट। अबाउट के बारे में बात करते हैं, अबाउट, तो अबाउट का मतलब क्या होता है, तो अबाउट का मतलब है के बारे में, के बारे में या के विषय में, के विषय में। अच्छा मान के चलिए कि हमको कहना होगा कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ट्रांसलेशन बनाना होगा तो कैसे बनेगा, यहाँ पर मैं मिटा ही दे रहा हूँ और बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, जानता हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तो सोचो कि के बारे में, के विषय में, ये भी प्रीपोजिशन वर्ड है, लेकिन ये भी किसी स्थिति परिस्थिति को डिसाइड कर रहा है और उसके साथ लग करके वाक्य को पूरा कर रहा है। अब देखिएगा किस तरीके से, मैं जानता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, आई नो, है मैं जानता हूँ, क्या जानते हो भाई, तो यू, ठीक है ना। अगर मैं यू लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, आई नो यू, सुनिएगा ध्यान से, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ,
देखो मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, दोनों में अंतर होता है। एक होता है मैं तुम्हें जानता हूं यानी कि नॉर्मली मैं तुम्हें जानता हूं, एक हो गया मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं यानी कि मैं तुम्हारा ज्योग्राफी पढ़ लिया हूं, मैं तुम्हारा बायोग्राफी पढ़ लिया हूं और मैं समझ चुका हूं अच्छा तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। तो जब भी कभी आप उसकी बायोग्राफी की डेटा बताते हुए आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तो कहते हैं आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू। लेकिन जब भी कभी कहते हैं हाँ नॉर्मली, जैसे कि आपको कहना होता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें, तो पहचान बताने के लिए हाँ मैं तुमको जानता हूँ या पहचानता हूँ, तो आई नो यू, मैं तुम्हें पहचानता हूँ तो भी हो जाएगा इंग्लिश में आई नो यू, ठीक है ना, और मैं तुम्हें जानता हूँ तो भी हो जाएगा आई नो यू। लेकिन जब भी कभी बात आए कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, यानी उसके पूरा जो है ना बायोग्राफी अगर आप टारगेट करते हुए बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तो आई नो अबाउट यू, तो अबाउट भी क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं से यू को टारगेट कर रहा है, ठीक है ना। बिफोर की बात करें तो बिफोर का मतलब होता है के पहले, के पहले, के पहले, और कभी कभी तो के सामने भी हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर आप मतलब ये के सामने कैसे हो सकता है, तो सुनिएगा, सपोज मान के चलिए कि अगर हमको कहना है मैं आपके, ठीक है ना, पहले हूँ, मैं आपके पहले हूँ या मैं आपसे पहले हूँ, तो हमको क्या होगा लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, आई एम बिफोर यू, ठीक है ना, आई एम बिफोर यू, मैं आपके पहले हूँ। अगर हमको कहना होगा कि मान के चलिए मैं आपके सामने हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपके आमने सामने हूँ तभी तो मैं आपके पहले हूँ, तो इन द सेंस ये भी हो सकता है मैं आपके सामने हूँ तो आई एम बिफोर यू ये भी हो सकता है, ठीक है ना, आई एम बिफोर यू, मैं आपके सामने हूँ, इसका मतलब कि पहले आप हो, ठीक है ना, फिर मैं हूँ वो अलग बात है, लेकिन आई एम बिफोर यू मैं आपके पहले हूँ यानी मैं आपके सामने हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके पहले हूँ तो आई एम बिफोर यू, लेकिन अगर आई एम यू अगर कहता, अगर बिफोर ना लगा करके आई एम यू अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है इसका मतलब, आई एम यू मतलब मैं तुम हूँ, तो इसका क्या मतलब निकला, इसका कोई मान ही मतलब नहीं निकला। तो प्रीपोजिशन ये वर्ड होता है जो किसी भी माने मतलब को करेक्ट करता है, ठीक है ना, किसी भी वाक्य को पूरा करता है, मैं आपके पहले हूँ आई एम बिफोर यू करेक्ट, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब क्या होता है बाबू, तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है ना, आफ्टर का मतलब क्या होता है सुनिएगा, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो सुनिए यहाँ पर, मैं तुम्हारे पढ़ने के बाद ठीक है ना आऊँगा, चलो थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, तो मैं आऊँगा ठीक है, आई विल कम, ठीक है ना, है मैं आऊँगा। अब देखो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो क्या करने के बाद, के बाद मतलब क्या करने के बाद तुम आओगे, तो कोई भी वर्क है वो वर्क क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं से स्थिति परिस्थिति को डिनोट कर रहा है, वो दर्शा रहा है कोई भी काम, मान के चलिए कि अगर मैं कोई काम दे दे रहा हूँ कि आप पढ़ो, तो पढ़ना भी क्या है, आप पढ़ने की स्थिति में आते हो कि नहीं आते हो। तो इन द सेंस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आफ्टर जो के बाद होता है ना, वो भी किसी कार्य को माने स्थिति परिस्थिति के हिसाब से वो डिनोट करता है। जैसे कि मैं आऊँगा, आई विल कम, क्या चीज़, पढ़ने के बाद, तो आफ्टर, ठीक है ना, रीडिंग, आफ्टर रीडिंग। उम्मीद करते हैं कि इधर लिख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो सुन करके समझ लीजिए, आई विल कम आफ्टर रीडिंग, और लास्ट में यू लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे भी है। तो मैं आऊँगा, आई विल कम आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद यू। अब आप कह रहे होंगे कि सर आफ्टर के बाद जो वर्ब आ रहा है उसमें ing लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा, आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद, अबाउट के बाद, ठीक है ना, फोर के बाद, जब भी वर्ब आता है ना तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह रह जाता है, लेकिन वर्ब जब भी आएगा उसमें आई एन जी जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैं आऊँगा, आई विल कम आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद यू, तुम्हारे पास, ठीक है ना, मैं तुम्हारे पढ़ने के बाद तुम्हारे पास में आऊँगा, या मैं तुम्हारे, ठीक है ना, पढ़ने के बाद आऊँगा, तो आई विल कम, ठीक है ना, आई विल कम, अगर चाहे तो कम के बाद भी यू लगा सकते हैं, आई विल कम यू आफ्टर यू रीडिंग, या आफ्टर के बाद भी यू लगा सकते हैं, आफ्टर यू रीडिंग, ऐसे भी कर सकते हो, इंग्लिश में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से मेन वर्ब, ठीक है ना, उसके बाद से अदरक लहसुन प्याज, उसके बाद से जो मन करे वो लगाते रहो, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले ये सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यही है पूरे वाक्य बोलने का तरीका, यही है पूरे वाक्य को बनाने का तरीका इंग्लिश का। तो क्या हो जाएगा, आई विल कम आफ्टर रीडिंग यू, मैं तुम्हारे पढ़ने के बाद आऊँगा। उम्मीद करते हैं कि जो प्रीपोजिशन के खंडित करके
प्रत्येक वर्डों के हिसाब से इसकी भाषा को जो मैं समझाने की कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर आप हमें बताएंगे कि सर मेरे को ये डाउट रह गया, थोड़ा सा आप हमें इस चीज़ का सुझाव दे दीजिए। देखिए बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं ना, क्लास टेंथ हो चाहे ट्वेल्व हो, इतना इंग्लिश कमज़ोर है ना, इतना इंग्लिश कमज़ोर है, फिर भी इतना बढ़िया से मेहनत करके ये जो वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, देखने से ही भाग रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर 10 से 15 मिनट अगर समय दे देते हो, सीख लेते हो, तो क्या दिक्कत है। एक तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम हुआ ये है कि इंग्लिश सिर्फ कंपलसरी है, और कंपलसरी किस लहजे में है, किस दृश्य से है, ठीक है ना, किस सेंस से है कि आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो जाओ, एग्ज़ामों में कुछ जा करके लिख देगा ना, तुमको पास मार्क आयोग के तरफ से मिल जाता है। लेकिन काश ये इंग्लिश कंपलसरी कर देता ना, तो इंग्लिश का टेंशन जो है ना सभी बिहारियों को हो जाता और इंग्लिश स्ट्रांग भी हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही बिहारी को शुद्ध हिंदी बढ़िया से नहीं बोलने आता है तो इंग्लिश कहाँ से बोलने आ जाएगा। कौन कौन कहता है कि मेरा तो घोड़ों खान दिए हैं, जबकि उसको सही से नहीं पता होता कि मेरा पैर जो है ना कुचल दिए है कि नहीं है। तो अब क्या करो, मैं सभी बिहारी को नहीं बोला हूं, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बिहारी जिसको शुद्ध हिंदी भी बोलने नहीं आता, इंग्लिश तो दूर की बात है। लेकिन जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ना, मान के चलो कि आप देखिए, आप भोजपुरी या हिंदी सीखने के लिए कहीं स्पोकन सेंटर नहीं गए, लेकिन मान के चलिए कि कहीं ना कहीं से आप संगत का असर है, मान के चलिए कि माहौल का असर है, यही माहौल क्या करता है, आपको बोलना चलना सिखा देता है। बहुत चीज़ें हैं जो हर तरीके से समाज में बोलना और कुछ करना सिखा देता है। लेकिन एज फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए कि अगर आपको इंग्लिश जब भी बोलना होता है ना, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, दिमाग में हमेशा के लिए एक टारगेट बना देते हैं कि हम स्पोकन करेंगे, ग्रामर की माने रूल को समझेंगे, तभी जाकर के इंग्लिश बोल पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख लेते हैं ना, तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, यकीन मानिए। आई गारंटी यू कि अगर आप इफ़ यू वॉच डेली बाई डेली माई इच वीडियो, डेफिनेटली योर इंग्लिश विल बी स्ट्रांग ऑटोमेटिकली, और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम कमिंग ऑन माई प्लेटफॉर्म, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।